वो किताब है जिसने देवबंदियों के ऐवानों में जलजला लाया। नोमा नौशेरी, आपने गैर मुकलद वादियों को क्या कहा था लाल चौक में, आओ आपकी वो किताबें जला देते, आप आओ आप किताबें जला दो। मैं कहता हूं आपका जो है ये आमिर उस्मानी साहब जो है वो मरने से पहले जो एक वसीयत करके लिख गया। अब आप कहते हो कि मैं उलमाए देवबंद का रूहानी बेटा हूं, ये देवबंदी है आमिर उस्मानी। अब आपका बाप वसीयत करके लिख वो मर गया, मरकर मिट्टी में भी मिल गया। अब मुझे बताइए कि आपका जो आमिर उस्मानी है वो क्या कहता है, आप सुनिए। लिखता है कि हमारे नजदीक, हमारे कौन, देवबंदियों के नजदीक जान छुड़ाने की एक ही राह है कि तकवे तुल ईमान, फतावा रशीदिया, फतावा इमदादिया, बेश्ती जेवर, हिफ्ज़ुल ईमान जैसी किताबों को चौराहे पर रखकर आग दे दी जाए। कहता है कि हमारे पास बचने की एक ही सूरत है, इन तमाम किताबों को सामने रखकर और पूरे वो आग तैयार करके चौराहे पर रखकर आग लगा देनी चाहिए। ये एक सूरत है देवबंदियों को बचने के लिए। ये आमिर उस्मानी इस किताब जलजला में ये अपनी एक वसीयत करके मर गया। तो लिहाजा आपको चाहिए था कि अपने रूहानी बापों की वसीयत पर अमल करें। मैं आपके सामने और एक बात रखना चाहता हूं, वो ये कि अब आगे आप जो है अपने ये मिंबरे रसूल को अहले हक, अहले सुन्नत और जितने भी बरेलवी उलमा यहां पर हैं, जो हम जिसका आप लोगों ने भी इकरार कर दिया कि अहले सुन्नत वाल जमात वाले हैं ये, तो अगर आज के बाद आपने एक भी बात अपनी इस गंदी और घटिया जुबान से निकाली तो याद रखना वो बातें मैं आप इस सोशल मीडिया के सामने के जरिए आवाम के सामने रख दूंगा कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं करोगे। हम अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं।